हेलो किड्स, वेलकम टू कात्यायन अकेडमी। आज हम लोग फोर्स के बारे में स्टडी करेंगे, ठीक है। फोर्स से रिलेटेड ये मेरा फर्स्ट वीडियो है। तो बेसिकली फोर्स होता क्या है, हम कुछ भी काम करें, फॉर एग्जांपल अगर हम सुबह सुबह कहीं पढ़ाई कर रहे हैं, राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, पेन का कैप ओपन किया, कैसे ओपन हुआ, फोर्स अप्लाई किया, ठीक है, बैग लेकर जाना है, बैग उठाना है, पुल करना है, तो क्या हुआ, फोर्स अप्लाई किया। वॉक करना है, हमने पैरों से फोर्स अप्लाई किया, किस पर, जमीन पर, ग्राउंड पर, तो हम आगे बढ़ पाए। तो बेसिकली क्या है कि हमें कुछ भी वर्क करने के लिए फोर्स तो अप्लाई करना ही पड़ेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, फोर्स के बारे में और अच्छे से डिटेल से पढ़ेंगे, क्योंकि फोर्स हमारी लाइफ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फोर्स, व्हाट इज फोर्स? सो बेसिकली फोर्स इज एन एक्सटर्नल एफर्ट, ठीक है। फोर्स क्या है, एक्सटर्नल एफर्ट है इन द फॉर्म ऑफ पुश एंड पुल विच चेंजेस द स्टेट ऑफ रेस्ट और ऑफ स्टेट ऑफ मोशन और यूनिफॉर्म मोशन। सो बेसिकली क्या होता है फोर्स, क्या है फोर्स, में हम किसी चीज को पुल कर सकते हैं। पुल करना मतलब अपनी तरफ खींचना, जब हम किसी चीज को अपनी तरफ खींचते हैं तो क्या होता है, पुल, ठीक है। इसके बाद पुश करना, अगर हम अपने से दूर की तरफ किसी चीज पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पुश, ठीक है। तो इनसे क्या हो सकता है, इनसे किसी भी ऑब्जेक्ट का शेप चेंज हो सकता है, साइज चेंज हो सकता है, स्ट्रेच कर दिया बड़ा हो गया, कंप्रेस कर दिया दबा दिया, स्प्रिंग है दबा दिया छोटी हो गई, तो क्या हुआ, साइज चेंज हो गया। और क्या हो सकता है, हम किसी चीज को धक्का दें, पुश करें, तो क्या होगा, वो मोशन में आ सकती है, मूव करने लग सकती है, ठीक है। तो चलिए क्या करते हैं, हम लोग एक एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें देखते हैं कि कैसे, जैसे ही आप फोर्स अप्लाई करते हैं ऑब्जेक्ट मूव करने लगता है, ठीक है, ओके। तो अभी यहां पर क्या है, यहां पर एक मेरे पास में एक ट्रॉली है और एक बॉय है, ये बॉय क्या करेगा, इस ट्रॉली को धक्का देगा, धक्का देगा मतलब पुश करेगा, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, अब ये तो खाली ट्रॉली, ये खाली ट्रॉली कहीं ले जाकर ये क्या करेगा, तो हम क्या करते हैं इस पर इस गिफ्ट को रख देते हैं, ठीक है, इस गिफ्ट को ले लिया मैंने। अब इस बॉय से क्या करते हैं, इस बॉय को बोलते हैं कि आगे की तरफ धक्का दो, ठीक है, चलिए देना लगा, देख रहे हैं क्या हो रहा है, मूव कर रहा है ये मूव कर रहा है, फोर्स आगे की तरफ लग रहा है। तो जब ये फोर्स आगे की तरफ लग रहा है मतलब ये बॉय क्या कर रहा है, पुश कर रहा है। जब ये पुश कर रहा है तो ये क्या हुआ, ये बॉक्स जो है वो चलने लग गया, मूव करने लग गया, मोशन में आ गया। तो क्या हो सकता है, फोर्स से हम किसी भी ऑब्जेक्ट को मोशन में ला सकते हैं, मतलब मूव करवा सकते हैं। अगर हम फोर्स अप्लाई करेंगे तो कोई ऑब्जेक्ट अगर रुका हुआ है तो क्या हो सकता है, मूव करने लग जाएगा। अब क्या करें, अब हम एक काम करते हैं, अभी तो ये मूव हो रहा है, अब क्या करते हैं, इसको रोकने की कोशिश करते हैं। रोकने के लिए क्या करना पड़ेगा, या तो हम इसको पुल करें, या तो हम इसको पुल करें, मतलब ये बॉय क्या करे, इस ऑब्जेक्ट को या बॉक्स को पुल करे, और या फिर वो इसको आगे से क्या करे, आगे से पुश करे, ठीक है। तो अभी हम लोग क्या करते हैं, इसको पीछे की तरफ फोर्स लगाते हैं और फिर देखते हैं कि ये बॉक्स रुकता है या नहीं रुकता है, ठीक है। तो अभी देखिए फोर्स लगाया, पीछे की तरफ फोर्स लगा रहा है, फोर्स की वैल्यू बढ़ा देते हैं, स्लो हो गया, स्लो हो रहा है धीरे धीरे, और देखिए क्या होता है, अभी क्या होगा, और फोर्स इंक्रीज करते हैं, देखिए क्या हुआ, रुक गया, अभी रुक गया, ठीक है। तो बेसिकली क्या हुआ, अब वापस की तरफ, पीछे की तरफ चलने लग गया। तो होता क्या है इससे, जब हम किसी ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाते हैं, ठीक है, जो रुका हुआ है, पुश करेंगे तो क्या होगा, वो मूव करने लगेगा, और अगर हम उसको दूसरी तरफ से आगे से जाकर क्या करें, वापस से पुश करने लगे पीछे की तरफ, तो क्या होगा, रुक जाएगा, ठीक है। तो फोर्स से क्या हो सकता है, हम किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट को मूव करा सकते हैं और किसी मूव होते हुए ऑब्जेक्ट को रोक भी सकते हैं, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने क्या देखा, अभी हम लोगों ने देखा कि अगर हम किसी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स अप्लाई करें, ठीक है, रुके हुए ऑब्जेक्ट पर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, जैसे वॉल पर कर रहे हैं, बट अगर उसमें व्हील लगे हो, ठीक है, व्हील लगे हो मतलब ट्रॉली जैसा हो, जैसे कार पर ही कर रहे हैं, उस पर अगर फोर्स लगाएं, सफिशियंट फोर्स लगाएं, तो क्या होगा, वो ऑब्जेक्ट मूव करने लगेगा, ठीक है। तो किसी भी रुके हुए ऑब्जेक्ट पर फोर्स लगाने पर वो मूव कर सकता है, ठीक है। तो इसको कैलकुलेट, जब हम फोर्स लगा रहे तो उसको कैलकुलेट कैसे करेंगे, कैसे जोड़ेंगे, ये भी पता होना चाहिए। तो उसके लिए फॉर्मूला है, वो फॉर्मूला है F इक्वल्स टू ma, ठीक है। F यहां पर क्या है, F फोर्स को रिप्रेजेंट करता है क्योंकि फोर्स कैलकुलेट करने वाले हैं। m क्या है, m जो है वो मास है, ठीक है, m क्या है, मास। मास क्या होता है, ये अभी हम लोग नेक्स्ट स्लाइड में अभी डिस्कस करेंगे, ठीक है। और ये क्या है, एक्सेलरेशन, ये है एक्सेलरेशन, ठीक है। तो बेसिकली एक्सेलरेशन क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी में पर सेकेंड कितना चेंज हो रहा है वो आपको बताएगा कि एक्सेलरेशन कितना है, ठीक है। जैसे अर्थ जो है, अर्थ ग्रेविटी का एक फोर्स लगाती है, ठीक है, अर्थ क्या है, अपने सेंटर की तरफ एक फोर्स अप्लाई करती है सभी ऑब्जेक्ट पर,
ठीक है, वो क्या होता है ग्रेविटेशनल पुल, वो क्या होता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। वेलोसिटी की यूनिट क्या होती है मीटर पर सेकंड, ठीक है, एक्सीलरेशन की मीटर पर सेकंड स्क्वायर, मतलब वेलोसिटी को अगर हम टाइम से डिवाइड कर दें तो मेरा एक्सीलरेशन क्या है, एक्सीलरेशन जो है वो है वी बाई टी, ठीक है, बट चेंज होना चाहिए तो इसको हम क्या बोलेंगे डेल्टा वी अपॉन टी, ठीक है। तो वेलोसिटी और टाइम में दोनों का एक साथ में अगर चेंज हो रहा, मतलब चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, वेलोसिटी का टाइम के रिस्पेक्ट में जब चेंज हो रहा होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे एक्सीलरेशन, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या होती है, जो फोर्स की यूनिट होती है एसआई यूनिट उसकी न्यूटन होती है और सीजीएस यूनिट उसकी डाइन होती है, ठीक है। तो इसका यूनिट क्या है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन एसआई सिस्टम में और सीजीएस सिस्टम में डाइन। एसआई सिस्टम में इसका न्यूटन का जो सिंबल है वो कैपिटल एन है और डाइन के लिए हम डी वाई एन राइट करते हैं, ठीक है। तो कहीं पर भी अगर डी वाई एन राइट है तो आप समझ लीजिएगा कि ये फोर्स रिप्रेजेंट कर रहा है और फोर्स की यूनिट किस में, किस सिस्टम में, सीजीएस सिस्टम में, ओके। देखते हैं नेक्स्ट क्या है, इसके बाद में हम लोग बात करते हैं कि अभी अगर फोर्स के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया तो हमें पता होना चाहिए वन न्यूटन फोर्स कितना है, वन न्यूटन फोर्स कितना होता है, ठीक है, ये हमको पता होना चाहिए तभी तो हम उसको कंपेयर कर सकते हैं किसी अननोन क्वांटिटी से। मान लीजिए हम इस बोर्ड पर ये भी फोर्स लगा दें, हमें पता ही नहीं है कि यूनिट फोर्स कितना होता है, मतलब उसकी जो बेसिक फंडामेंटल फोर्स की यूनिट है वो कितनी होती है, तो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे हम कितना फोर्स इस पर लगा रहे हैं, ठीक है। तो चलिए देखते हैं कि वन न्यूटन फोर्स कितना है। वन न्यूटन इज दैट फोर्स, वन न्यूटन इज दैट फोर्स विच प्रोड्यूसेस एन एक्सीलरेशन ऑफ वन मीटर पर सेकेंड स्क्वायर इन एन ऑब्जेक्ट ऑफ मास 1 kg, मतलब 1 kg का अगर आप मास ले लें और उसमें एक्सीलरेशन प्रोड्यूस करें कितना 1 meter per second square, मतलब 1 kg ऑब्जेक्ट में आप 1 meter per second square का एक्सीलरेशन से प्रोड्यूस करें, मतलब हर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है 1 second क्या हो बढ़ती रहे, हर सेकंड उसकी जो वेलोसिटी है वो 1 meter बढ़ती रहे। जैसे अभी मान लीजिए क्या है कि 1 kg का मैंने बॉक्स ले लिया और उस पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, जब 1 kg के बॉक्स पर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो मूव करेगा, ठीक है, उसके मूवमेंट की वजह से जो उसमें एक्सीलरेशन हो रहा है वो हर सेकंड 1 meter इंक्रीज होना चाहिए। जैसे अभी 1 meter per second square है तो 1 second बाद में कितना होना चाहिए 2 meter per second square, अगले सेकंड में कितना होना चाहिए 3 meter per second square, ठीक है। तो ये एसआई सिस्टम में 1 newton की वैल्यू होती है। तो हम क्या करेंगे एक एक्सेलरेशन का भी एक्सपेरिमेंट करते हैं और उसमें देखेंगे बेसिकली एक्सेलरेशन होता क्या है, ठीक है, कि अगर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और एक्सेलरेशन हो रहा है तो क्या हो रहा है ये हमें पता होना चाहिए। चलिए ओके, तो स्टूडेंट यहां पर देखिए क्या है कि यहाँ पर कुछ एक मीटर लगे हुए, ठीक है, ये जो है इस मीटर पर आपको एक्सीलरेशन दिखाई देगा, ठीक है, और यहाँ पर आपको स्पीड दिखाई देगी बॉक्स कितनी तेज मूव कर रहा है, ठीक है, दोनों में डिफरेंस होता है। यहाँ पर आपको स्पीड पता चलेगी कि बॉक्स की स्पीड कितनी होती जा रही है और यहाँ पर एक्सीलरेशन पता चलेगा, मतलब क्या है टाइम के रिस्पेक्ट में इसमें कितनी तेज हर सेकंड चेंज आ रहा है, ठीक है, वो आपको यहाँ पर पता चलेगा। और ये क्या है, ये एक बॉक्स है और ये एक बॉय है, तो ये बॉय क्या करेगा इस बॉक्स को धक्का देगा, जब ये धक्का देगा तो ये बॉक्स मूव करेगा, जब मूव करेगा तो हम देखेंगे कि एक्सेलरेशन कैसे होता है, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इस बॉय को बोलते हैं इस पर थोड़ा सा फोर्स लगाओ, ठीक है, तो इस पर हमने 100 newton का फोर्स लगाया, तो अब ये देखिए एक्सेलरेशन कितना है 2 meter per second square, मतलब 1 second में इसकी वेलोसिटी जो बढ़ रही है वो 2 meter बढ़ रही है, मतलब अगर 1 second पहले 2 meter per second square है अगले सेकंड में 4 meter per second square हो जाएगी, ठीक है, फिर 6 meter per second square, इस तरह से इसकी स्पीड जो है वो बढ़ती रहेगी, ठीक है। तो अभी देखिए क्या है एक्सीलरेशन क्या हुआ जीरो हो गया, क्यों, क्योंकि ये धक्का जो दे रहा था जो एक्सीलरेशन प्रोड्यूस कर रहा था अब तो है वो तो पीछे रह गया, ठीक है, बट ये बॉक्स क्या है अभी भी इसमें एक्सीलरेशन की वजह से जो वेलोसिटी आ गई है उस वजह से ये बॉक्स क्या कर रहा है मूव कर रहा है, ठीक है। तो देखिए स्पीड कितनी है 40 meter per second, बट एक्सीलरेशन देखिए नो एक्सीलरेशन, क्योंकि एक्सीलरेशन प्रोड्यूस ही नहीं हो रहा है, क्यों नहीं प्रोड्यूस हो रहा है, क्योंकि प्रोड्यूस करने वाला नहीं है, ठीक है। हे फ्रेंड्स, इफ यू वांट टू सी सच मोर इंफॉर्मेटिव वीडियोस ऑन डिफरेंट टॉपिक्स फॉर क्लासेस 1 to 12, देन सब्सक्राइब एट katyanacademy.com राइट नाउ।